वहीं जनपद नैनीताल के लाल कुआं में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाल कुआं का रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह से डूब चुका है। वहीं लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर अधिक पानी आ जाने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरी तरह से डूब चुके हैं, जिसके चलते प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक संचालित होने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में जुटा हुआ है, लेकिन भारी बरसात के चलते लगातार रेलवे ट्रैक पर पानी बढ़ रहा है। वहीं बारिश का पानी काशीपुर रेलवे ट्रैक से होते हुए लाल कुआं के निचले आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच रहा है, जिसके चलते बिंदु खत्ता क्षेत्र के खेत भी जलमग्न हो गए हैं। वहीं बारिश के चलते लोग घरों में कैद है। लाल कुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। परसों से यहाँ से बारिश लगातार जारी है और कल से आज सुबह 8 बजे तक का 24 घंटे में 800 mm से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि कई जगह पे लालकुआं वाले एरिया है, जयपुर सीमा है या इससे मोती नगर से नीचे वाले हिस्से पर जल भराव की स्थिति कई जगह पे बनी हुई है और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से जल निकासी के सिस्टम में जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं उसको खोला जाए और शीघ्र से शीघ्र जल स्तर को कम किया जाए।